आउटसोर्सिंग कर्मचारी की करंट लगने से मौत पर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर शव रख कर किया विरोध प्रदर्शन। सुपरवाइजर पर प्रकरण दर्ज करवाने की मांग की। एचएल एसपी के आश्वासन के बाद उठे धरने से। देवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलिया हमा निवासी बबलू उर्फ बुलबुल राव की विद्युत पोल पर काम करते समय करंट लगने से एक दर्दनाक मौत हो गई। मामले में भैरवगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया था। इसी बात को लेकर मृतक के परिजनों ने आक्रोशित होकर शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के बाहर शव रख कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सुपरवाइजर पर प्रकरण दर्ज व उचित कार्रवाई की मांग की गई। बताया जाता है कि मृतक विद्युत विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। विगत दिवस रात्रि में रुई ग्रिड पर पदस्थ सुपरवाइजर ने बबलू को फोन लगाकर विद्युत लाइन संधारण के लिए बुलवाया। उसके मना करने पर सुपरवाइजर द्वारा उसे नौकरी से निकालने की धमकी देने लगा। इसके बाद बबलू वहां पर पहुंचा, विद्युत पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। इसी दौरान उसे करंट लगने से विद्युत पोल से नीचे जा गिरा, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन शव को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचे। शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया, मांग रखी गई थी सुपरवाइजर खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए। इसी दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने परिजनों को आश्वासन देते हुए जांच उपरांत उचित कार्रवाई करने की बात कही। ये उज्जैन के रुई ग्रेड का मामला है और ये मामला नहीं है, एक बड़ा भ्रष्टाचार है ये। अभी आप देख रहे हो विद्युत मंडल के लोग, अगर लोग बिल नहीं भरते हैं तो उनकी मोटरसाइकिल बढ़ जाते हैं, उनके घर से टीवी बढ़ जाते हैं, फ्रिज बढ़ जाते हैं, ये तमाम सारे काम विद्युत विभाग के लोग कर रहे हैं। एक बड़ी अनियमितता ये है इसके अंदर यहाँ पे कि भाई कोई सा भी विभाग है, अगर वहाँ पे नौकरी करना है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या नए नए बच्चे 20-25 साल के लोगों को सुपरवाइजर नौकरी पे रख लेते हैं। वहाँ ऑन द रिकॉर्ड ये लोग नौकरी पे है ही नहीं। ये लोग आज जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इन लोगों को सुपरवाइजर अपने 5-6 हज़ार रुपये में निजी तौर पर नौकरी पे रखते हैं इनको, फिर इनसे गलत तरीके के काम कराते हैं, वो चाहे रिकवरी के काम हो, चाहे विद्युत पोल पर चढ़ने के काम हो। अभी ये इनको नौकरी के निकालने से डराने के नाम पे लाइन सही करवाने का काम करवा रहे हैं, बल्कि वो विद्युत विभाग का कर्मचारी नहीं है, उसके पास कोई सेफ्टी नहीं है कुछ भी, और सिर्फ ये डर दिखा के वहाँ पर काम कराते हैं, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। तो सुपरवाइजर की ये तानाशाही सिर्फ एक ग्रिड पे नहीं है, अधिकांश ग्रिड पे अगर जांच करी जाए तो यही मामला है। ऑन द सुपरवाइजर के खिलाफ इसमें FIR दर्ज होना चाहिए, ताकि पूरे देश में प्रदेश में। पिपलियाना गांव थाना भैरवगढ़ का एक मामला था, जिसमें कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी की विद्युत कार्य करते हुए मौत हुई, जिसके संबंध में उनके परिजनों द्वारा कंट्रोल रूम पर उनकी बॉडी ला करके उचित कार्रवाई के संबंध में मांग की जा रही थी, जिसके संबंध में थाना प्रभारी को तत्काल अच्छे से उचित जांच करके उसमें वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी वो करने के लिए निर्देशित किया गया।